हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 17 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हर एग्जाम SSC CGL, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये करंट अफेयर। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहना। यह था कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर पूछा था आपसे, किसे मई माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। आंसर था इसका हैरी टेक्टर को। हैरी टेक्टर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया था, ये इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं 16 जून 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। RBI के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया शक्तिकांत दास को। किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहले टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो ये की गई राजस्थान के उदयपुर में। भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के रूप में चुना गया है? तो ये क्या है, तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों और संरचना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के रूप में चुना गया है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। भारत और किस देश के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो ये हुई है भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच, जो नई दिल्ली में हुई ये पहली गोलमेज संयुक्त बैठक। केरल कैडर के किस IPS अधिकारी को BSF का DG नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नितिन अग्रवाल को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये 15 जून को मनाया जाता है। FWSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो ये बना है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला। अब हम देखते हैं हमारे आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है ये महोत्सव, क्या नाम है, राजा परबा, राजा या राजा परबा बोलते हैं इसको। ये किस राज्य में आयोजित किया गया है ये उस महोत्सव, ये आपसे पूछे, आंसर दीजिए। ये कृषि महोत्सव है, क्या नाम है इसका, राजा परबा। ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में किया गया है इस कृषि महोत्सव का आयोजन। और आपको पता था जो ये राजा परबा महोत्सव है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ओडिशा राज्य में मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस महोत्सव को, मिथुन संक्रांति। ये मिथुन संक्रांति भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है और उड़ीसा राज्य में बनाने वाला एक नारीत्व त्यौहार है, मतलब ये नारियों के द्वारा बनाए जाने वाला त्यौहार है। इसमें इस अवसर पर लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, पान बनाते हैं, पान का स्वाद को लेते हुए दोस्तों और परिवारों के साथ मिलकर कार्ड भी खेलते हैं, कार्ड मतलब ताश भी खेलते हैं जैसे हम दिवाली पर खेलते हैं, ये ऐसे ये कृषि महोत्सव मिथुन संक्रांति पर ये खेल खेलते हैं। ये सब व्यंजन बनाते हैं कई प्रकार के और दोस्तों और परिवारों सभी के साथ मिलकर कार्ड वगैरह खेलकर इस उत्सव महोत्सव को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। कौन, ओडिशा राज्य। क्या नाम है इस महोत्सव का, राजा परबा, और इसको मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है इस महोत्सव को, याद रखना इन सब बातों को। आगे चलते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारी। किस राज्य मंत्री द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर L. मुरुगन के द्वारा। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता शहर में। किस शहर में डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में इमोइनो इरित्पा महोत्सव मनाया गया है?
तो ये बनाया गया मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो आंसर दीजिए फ्रेंड्स, किस शहर में की गई है इसकी शुरुआत, सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, ढाका में। ढाका में की गई है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितने मिलियन, 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दक्षिण एशिया में पहली बार पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ पर की है? बांग्लादेश के ढाका में। और कितने अरब मिलियन डॉलर के साथ? तो ये विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, याद रखना। आगे चलते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है इसकी, हाल ही में विश्व बैंक ने किसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बोर्ड जारी किया है? तो ये क्या है, ब्लैक राइनो के लिए। किस भारतीय अमेरिकी को निर्विरोध रूप से विश्व बैंक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है, अजय बंगा। विश्व बैंक के लॉजिस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पर रहा है। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये किया, नेपाल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा लिखित मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, आंसर दीजिए, क्या नाम है पुस्तक का, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, अश्विंदर सिंह। किसके द्वारा, अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, क्या नाम है, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो अश्विंदर सिंह है ये एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट विशेषज्ञ है। क्या है, एक विशेषज्ञ है प्रसिद्ध, जिन्होंने मास्टर रियल एस्टेट रियल पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक गट्स ए अमायर्ड वर्ल्ड बोथ द अंशुमन गायकवाड नैरेटिव का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है आदित्य भूषण के द्वारा। किसके द्वारा लिखित स्वतंत्रता के लिए भारत का संग्रह गांधी युग पुस्तक का न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखे गए पी ज्योतिमणि जी बालन के द्वारा। किसके द्वारा लिखित एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये लिखी गई के एम चंद्रशेखर के द्वारा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस देश के द्वारा लिखित पुस्तक पार्टिशनेड फ्रीडम का विमोचन किया है? तो ये किया है राम माधव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है कि भारत पहली बार किस देश में आयोजित NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF में भाग लेगा? तो किस में भाग लेगा, कौन सा देश लेगा, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि भारत पहली बार किस देश में आयोजित NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लेगा? तो राइट आंसर होगा इसमें सी, फ्रांस देश में। किस देश में आयोजित हो रही है ये, फ्रांस देश में आयोजित है। भारत इस साल पहली बार फ्रांस में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल मौसम में भाग ले रहा है। किस देश में ले रहा है, फ्रांस में, और भारत ये पहली बार ले रहा है इस मौसम में भाग, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन में शामिल हुई है? तो ये हुई है फ्रांस देश में। बहुपार्श्व ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया अमेरिका देश में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसीघाट पहाड़ी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है युगांडा देश में। किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो ये किए जापान के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है ये, आंसर दीजिए। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर इसका ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं,
किस शहर में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये क्या है, गया है नई दिल्ली में। किस भारतीय शहर में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल शहर में। किस देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन देश के। आर्थिक सहयोग के लिए भारतीय स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां स्तर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 12वां स्तर किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे किया है नियुक्त, आंसर दीजिए। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है बी, महेंद्र लोडा को। किसे नियुक्त किया है? महेंद्र लोडा को नियुक्त किया है पीटीसी किसके, पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज के कंपनी निदेशक के रूप में। और आपको बता दें जो ये महेंद्र लोडा है वो पहले किस में काम कर चुके हैं, तो ये महेंद्र सिंह लोडा पहले राजस्थान स्टेट मैनेजमेंट कंपनी के लिमिटेड में भी काम कर चुके हैं। किस में? राजस्थान स्टेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर चुके हैं पहले, और अभी उनको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक भी नियुक्त किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? एके जैन को। किसे हाल ही में पेटीएम का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? भावेश गुप्ता को। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के इस्तीफा के बाद किसे नए कानून और नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रशांत दामले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है? तो कहाँ पर रखा है, ये आंसर दीजिए। पूछा कि कहाँ पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है? तो ये रखा है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा हमारा बी, नई दिल्ली में रखा गया है। क्या नाम रखा है? प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है। किसके स्थान पर? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में बने बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का किसके नाम पर रखा गया है? वी डी सावरकर के नाम पर रखा गया है। नाम सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर किस क्रिकेटर स्टेडियम में उनके नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर। किस राज्य में बरखेड़ा पठानी नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नगर किया गया है? तो ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और साथ ही कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि आगे और भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आए आपके लिए करंट अफेयर्स की, ताकि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ पर आउटरीच कार्यक्रम जुली लद्दाख शुरू किया है? तो कहाँ पर किया है ये जुली लद्दाख कार्यक्रम, आंसर दीजिए। एक आउटरीच कार्यक्रम है ये, कौन सा? जुली लद्दाख, जो कहाँ पर शुरू किया है ये, आंसर है हमारा ए, लद्दाख में। कहाँ पर शुरू किया गया? लद्दाख में शुरू किया गया है आउटरीच कार्यक्रम। ये जुली लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख शहर में आयोजित किया गया है। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, इस जुली लद्दाख कार्यक्रम को मनाने का? तो इसका उद्देश्य कि इसके द्वारा हिमालय क्षेत्र में नौसैनिक सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र पर नौसैनिक सेवा है ना, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है और युवाओं और नागरिकों को समाज के साथ जोड़ना है। क्या है? युवाओं को नागरिक समाज के साथ जोड़ना है और हिमालय क्षेत्र पर जो नौसैनिक सेवाएं हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और कहाँ पर शुरू किया है ये महोत्सव जुली लद्दाख? तो ये लद्दाख शहर में ही आयोजित किया गया, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, इसकी चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करोना शुरू किया है? तो ये क्या है, म्यांमार देश ने। भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ये क्या है, सूडान देश ने। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा पर बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है?
तो ये क्या है, ऑपरेशन मुक्ति को। भारतीय सेना ने किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया है, तो यह क्या है, लद्दाख के अंदर शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, तो किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, आंसर दीजिए। क्या नाम है पुस्तक का, रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, जिसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, आंसर है डी, रामचंद्र गुहा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रामचंद्र गुहा के द्वारा। रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार और एक लेखक है जिसने रिबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जिसको ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रामचंद्र गुहा के द्वारा, जिसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, संगीत अकादमी द्वारा किसको संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, बॉम्बे जयश्री को। किससे उपन्यास पागलखाना के लिए व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को। किस जहाज को राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया INS द्रोणाचार्य को। किसे 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के रूप में ईयर पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया मीराबाई चानू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने जेन मेरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है जेन मेरियट को, आंसर दीजिए। पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है जेन मेरियट, तो किस देश में नियुक्त किया गया है, तो आंसर है हमारा बी, पाकिस्तान देश में। जो यूके, जो ब्रिटेन है ना, जेन मेरियट को पाकिस्तान के अगले ब्रिटिश उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, किसने, ब्रिटेन ने, किसको, जेन मेरियट को। जेन मेरियट को पाकिस्तान के अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी है। कौन बनी है, जेन मेरियट, पाकिस्तान की महिला दूत नियुक्त किया गया है इसको, जो इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी है, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, एरिक गार्स्टी भारत में किस देश के अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, अमेरिका देश के। ऐसे की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई जो अब वंदे भारत का संचालन करती है, सुरेखा यादव। किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ने CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है, रोहित चावा को। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सभा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ये क्या है, कुवैत देश के। आज का क्वेश्चन हमारा, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना फीफा U20 विश्व कप 2023 जीता है, तो किस देश को हराकर जीता है, आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या होगा। समर ज्ञान डोज देखते हैं हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, कर्णम मलेश्वर। वेदों की ओर लौटो भारत का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, गुर्दे के द्वारा किया जाता है यूरिया को रक्त फिल्टर। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है, एकमात्र भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आपको दे रखी है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।